अम्मा तुम्हें यकीन है कि वो कॉल जुल्फी की थी? को तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा था? लो भला, मैं अपने बेटे की आवाज नहीं पहचानूंगी? अरे वो जुल्फी था, कह रहा था कि शाम को सबसे मिलने आऊंगा। लो अम्मा, इतनी रात हो गई है, अभी तक तो आया नहीं। मैं रास्ता ना भूल गया हूँ। इतना मासूम नहीं है वो कि इस घर का रास्ता भूल जाए। वो घर जिसे उसने लूटा है, जहाँ डाका डाला है, जिस थाली में खाया है ना, उसी में छेद किया उसने। दे दिया ना ताना, तो अपने मियाँ की सगी है, बस उसी के लिए तेरा दिल घुटता रहता है। अरे नहीं अम्मा, उसके लिए नहीं, उसके माल के लिए। है ना तो मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पे गई है। चंदा, तुम रात के खाने पर बाहर क्यों नहीं आई? अनवर भाई कहीं बुरा ना मान जाए। अरे इतने दिनों के बाद उनके बच्चे इकट्ठे हुए, इतनी खुशी का मौका है उनके लिए, तुम्हें बाहर आकर सबके साथ बैठना चाहिए था। समझा करे ना अम्मी, आज अनवर मामू के तीनों बेटे उनके साथ थे। बेशक हमें फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने बेटों के साथ वक्त गुजारने का मौका देना चाहिए। आपको पता है नोमी भाई आज अपनी नाइट शिफ्ट पे नहीं जा रहे, और फिर कान भाई इस महीने दुबई भी चक्कर नहीं लगा रहे। अनवर मामू अपने बेटों के साथ खुल के वक्त गुजार सकेंगे। मुझे तो सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है, अगर अनवर भाई के सामने हमारा झूठ खुल जाए तो। कौन बताएगा उन्हें? ये बात मेरे, आपके और उमर के बीच में है। क्या उमर को मालूम है कि तुम्हारी मांगनी नहीं हुई? हाँ, आप घबराए नहीं, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। चला तुम पागल हो गई हो क्या? उमर छोटा बच्चा है, उसे इतनी समझ कहाँ? और अगर खुदा ना खास्ता उसने किसी को बता दिया तो? बच्चा है लेकिन बहुत समझदार है, आप परेशान मत हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यू टू ब्रो। सो कैसे चल रही है जॉब? वापस आने का कोई प्लान है या नहीं? ऑनेस्टली ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, जॉब तो बहुत अच्छी है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं यहीं पे डट के काम करना चाहता हूँ। यार अब्बा जी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, उन्हें क्या पता था कि वो महज चंद सालों के लिए तुम्हें भेजेंगे पढ़ाई के लिए और तुम हमेशा के लिए उसी शहर के होके रह जाओगे। तुम्हें मुझे वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। Come on यार, छोड़ो ना पुरानी बात, क्या दिल से लगा के बैठे, दिल नहीं खराब करो। देखो ना तुम कितने बदल गए हो, माशाल्लाह कितना कुछ अचीव कर लिया तुमने। थैंक यू। बदल नमी भाई, मैं आपसे उम्र के बारे में बात करने आया। अच्छा, अब तुम उसकी बेजा हिमायत करके उसे बिगाड़ोगे? हैं उसकी माँ है ना, उसे बिगाड़ने के लिए काफी है बस। ठीक है नमी भाई, वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। हाँ चंदा भी यही बात कहती है। अरे पता नहीं यार क्या सही है क्या गलत, मैं तो समझने से कासिर हूँ। अच्छा चंदा, बाय द वे, अब्बा जान की मेहमान है या बड़ी भाभी की? चंदा मेहमान नहीं है, वो अब इस घर की फर्द है, शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ। We'll be right back.
अरे मलिका, अरे अपने ड्राइवर से कह के पुराने मोहल्ले तो भेज दे उसको, जरा जुल्फी का पता करे कहाँ रह गया है वो। है मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है भाई। अम्मा चुन्ना काका नहीं है, छोटा सा बच्चा नहीं है जो गुम हो जाएगा। हाँ ड्राइवर भेजो, लोग भेजो उसके पीछे, कितनी बार शर्मिंदा करा चुका है मुझे, मैं नहीं किसी को भेज रही। अरे उसके मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है, मुझे कह के गया था कि अभी आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। भाई मुझे बहुत परेशानी हो रही है अल्लाह मियाँ। हो ना हो उसी चुड़ैल के पास गया होगा, जेल से हो आया, इश्क का भूत नहीं उतरा उसके सर से। अरे सटिया गई है क्या है? अब वो पांच बच्चों की माँ हो गई है, ना उसकी सूरत है ना शक्ल है, और फिर वो पांच बच्चों की माँ के पीछे ऐसे नहीं घूमेगा वो। मेरा जुल्फी बहुत होशियार है, मुझे लगता है जरूर वो किसी मुश्किल में है, अल्लाह मियाँ तो उसकी मदद कर। आए मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, अल्लाह मेरा लाडला कहाँ होगा। सलमान चाचू मनी के लिए इतना महंगा और कीमती गिफ्ट लेकर आए और मुझे एक शॉल और दो किताबों में ही डाल दिया। इससे उम्र ना बड़ा चमचा है सलमान चाचू का, और चाचू वो तो मुझे उम्र के सामने इग्नोर ही कर देते हैं। जानती हूँ रचिता, इतना सा लड़का है ये और इसकी हरकतें देखो, इतना गुस्सा आता है मुझे इस पर। शुक्र करो कि ये सलमान यहाँ पे नहीं रहता, वरना ये लड़का सलमान की शह पर पता नहीं क्या क्या हरकतें करता, हमारा तो जीना हराम कर देता। चमचा कहीं का मेरा बच्चा, अरे कैसा जालिमों ने मारा है, अरे जगह देख देख के तेरी ठुकाई की है कमबख्तों ने। तुम्हारे यहाँ पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे एक मेहमान आया है, चोर आया है, बात भी नहीं करते, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। तो तुझे क्या जरूरत थी चोरों की तरह अंदर घुसने की, घर बचा के आता। बाजी बाजी बाजी, वो जी वो रिश्ते वाला बाहर खड़ा हुआ है, किराया मांग रहा है, कह रहा है किराया ना दिया तो यही धरना दे दूंगा। दे रहे दे रहे, इंसानियत ही खत्म हो गई अम्मा माशरे से, एक 250 रुपए के लिए मरा चला जा रहा है वो। आपा एक 250 रुपए दो जरा, मैं इसके मुंह पे मार के आऊं जाके। आ गया ना अपनी औकात में, हमेशा मैंने ही पैसे दिए तुझे। अरे ओ मेरा बच्चा दुबई से धर्म कमा के नहीं लाया जो तू ताने दे रही है, जेल से आया है और उसके पास पैसे कहां से होंगे। उफ डिस्गस्टिंग, मामा कैसा खानदान है आपका, ये जेल और हवालात। सुन ले, ये तेरी भांजी है, माँ की तरह इसका भी खून सफेद ही हो गया। सुनो रीता, जाओ मेरे पर्स में से पैसे निकाल के दो, रात मासी दे देंगे, और वो अपने बाप से या किसी से फिक्र मत करना। जाओ जल्दी जाओ और रात मासी दे देती। इतनी सी नखरे देखो जरा इसके, बकवास अपनी बंद कर, वो बच्ची के पीछे पड़ गया वाकई। और अम्मा तुम ये अच्छी तरह बात याद रखो कि ये जेल क्यों गया था, ये तो मेरे ससुराल वालों की शराफत है, किसी यहाँ फटकने दिया है, कदम रखने दिया है। तू कहाँ से पिट के आ रहा है, क्या हुलिया बनाया है तूने। वो आपा पुराने मोहल्ले चला गया था जरा, मैं जब इनका पता पूछने तो क्या वहां पहुंचते ही मेरी उसके मियां से मुलाकात हो गई। अरे लानत है तुझ पर, बेशरम कहीं का, दूसरों की बीवियों के बारे में पूछता फिरता है, जेल की हवा खाया लेकिन अकल ना आई तुझे। अरे बस कर जा, क्या बच्चे की जान लेगी, जा लाके खाने का इंतजाम कर। अरे इतना सन्नाटा क्यों है, कहाँ है सब लोग। दादा अबू तो सो रहे होंगे और अब्बू हॉस्पिटल गए हैं और ताया जान फैक्ट्री में। अच्छा और बाकी सब। अम्मी एज यूजुअल रात मासी के साथ बर्तन धो रही होंगी,
और रिदा फोन पर अपनी सहेली के साथ गप्पे मार रही हूँ। और बाकी लोग भी तो हैं। अच्छा आप समझा, आप ताई जान और उनकी अम्मी के बारे में पूछना चाहती हैं। वो अपने खासुल खास मेहमान के साथ बिजी हैं। मेहमान? हाँ, उनके भाई मौसूफ तशरीफ जो ला चुके हैं। And guess what? उनका इतना अच्छा शानदार तरीके से इस्तकबाल जो हुआ है। क्या मतलब? हमने तो उनके आने पर पानी में भिगोने का प्लान बनाया था, लेकिन जब वो आए आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? उन पर जूतों और डंडों की बरसात हो गई। इतना मारा, इतना मारा, मैंने खुद देखा। तुमने देखा? बहुत मजा आया। दिमाग खराब, कैसे ऑर्डर चला रही थी? बी बनो है, मेथी मुरक की यखनी बनाओ, ताजा फलों का जूस निकाल के दो जरा। अरे सजा याफ्ता भाई के लिए इतने नखरे उठाए जा रहे, जैसे कहीं से झंडे गाड़ के आया हो कामयाबी के। मुझे जरूर पता कहीं से पहले पिट के आया है ये लाजमी। हंसी आहिस्ता बोलो, बड़ी भाभी ने सुनिया ना तो यूं ही गले पड़ जाएंगे। जैसा भी ये भाई है उनका छोड़ो। अरे नालत जैसे को तैसा, देखा नहीं बेग साहब जी को कैसे खामोश होकर अपने कमरे में चुपके से बैठ गए। अरे कैसे भूल सकते हैं जब लाखों का डाका इनकी फैक्ट्री में मार के ये भागा था लड़का। ये तो मुरव्वत मारे दे रही है भाई, बहुत बड़ा दिल है तीनों बापे को, बहुत बड़ा दिल। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी। वालेकुम अस्सलाम। एक कप चाय मिलेगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, कुछ खाओगे साथ? नहीं थैंक यू, मैं दोस्तों से लंच करके आया। चलो ठीक है। डाका तो वाकई डाका होता है भाई, चाहे लाखों का हो, हजारों का हो या चंद सिक्कों का, और वो भी वहां डाला जाए जहां बरसों के मरासिम हो। बाकी डूब मरने का मकाम है। सच कहती हूँ रातमासी, इस घर के मर्दों का दिल तो वाकई ही रेखा है। फंदा सा लग गया, पानी सूप बन गया, पतीली निकालो चाय का पानी। ये लो भाई चाय। थैंक यू छोटी भाभी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? इधर कंपनी तो दे दे मुझे। किचन में बहुत काम है मुझे। किचन के काम होते रहेंगे। और आपने क्या ठेका उठाया हुआ पूरे किचन का? और भी तो लोग हैं इस घर में, आदत बिगाड़ी हुई आपने सबकी। मुझे तो समझ नहीं आती लोग अपने आप को मेहमान समझते हैं क्या इस घर में। अच्छा भाई मैं 10 मिनट रुक जाती हूँ, बताओ कुछ फिर। ये ले बेटा सूप पी ले। अम्मा 12 साल मैंने जेल का बदमजा खाना खाया है, और आज आने के बाद तू मुझे ये बदमजा सूप पिला रही है, फिर नहीं पीना मुझको। अरे क्या जरूरत थी जेल में किसी के हाथ पांव तोड़ने की? 2 साल की सजा के लिए गया था, 12 साल पूरे करके आया है। और अम्मा तुम तो बड़े भरम करा रही थी कि यहाँ बड़े खापे हैं, मुर्गे मुसल्लम, बिरयानी, कीमा, तली हुई मछलियाँ सब कहाँ है, ये बदमजा सूप। अरे वो तो सलमान बिन बुलाए आ गया, उसी ने खा लिया सब कुछ। चल अब तू ये सूप पी ले, मैं रात को ना तेरे लिए जो कहेगा वो बना दो। अम्मा एक बात है, मुझे लगता है कि मुझे सलमान के भी हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। क्या है अम्मा? सूपी मुसीबत है। आ गया तुम्हारा भाई। मेरा भाई? मेरा भाई आपका भी कुछ लगता है? काश वो रिश्तों की नजाकत को समझ पाता। ताने मारने की तो जैसे आदत सी हो गई है उसको। तुमने भी शोहर की आदतें खूब बिगाड़ी हैं मलका बेगम, वरना फुरकान की क्या मजाल जो दिन रात चुपते जुमले कसने की हिम्मत नहीं करे। हाँ भाई क्या प्लान? किसका प्लान? सुल्फी का और किसका? मतलब? भाई मतलब ये कि वो तुमसे और आंटी से मिलने के लिए आया था, मिल लिया, अब क्या करेगा? वापस वहां जाएगा, घर किराएदारों से घर खाली करवाएगा। चला जाएगा चला जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अभी तो निकला है, अभी अभी आया है, कहाँ जाता वो?
घर पे किराएदार ठहरे हुए, अम्मा को मैं यहाँ ले आई हूँ। क्या फुटपाथ पे जाके सोता वो? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ आपका मतलब। माना कि उसने ना समझी की, गलती की, उसकी उसको सजा भी मिल गई, और आप क्या चाहते हैं मैं अपने भाई का अपने हाथों से गला घोट दूं? क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, इस घर के लिए, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे जख्मी भाई के लिए इस घर में इतनी सी जगह नहीं है रहने के लिए। जख्मी क्या हुआ जुल्फी को? आते हुए एक्सीडेंट हुआ है उसका रिक्शे के साथ। अच्छा, ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो यहाँ रुकना नहीं चाहता था, एक सेकंड को भी ठहरना नहीं चाहता था। वो तो अम्मा ने इसरार किया, कैसे जाने देती उसे वो, उसे चोटें भी तो इतनी आई है। अच्छा, अब कैसे है? आपको क्या? नाराज? I'm really sorry, मलिका। अरे तुम्हारा भाई, तुम्हारी अम्मी मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। ये घर उनका भी उतना ही है जितना के हमारा है। सॉरी अगर मैंने जाने अनजाने में अगर कोई गलत बात कह दी है तो। अच्छा, अपना मूड तो ठीक कर लो। मुस्कुराओगी नहीं? मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हमारा मूड ठीक करता हूँ। सिर्फ आज की रात बड़ा एहसान किया तुम्हारे मियाँ ने। अरे तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा देवर, सुसर, मियाँ सब तुम्हारी मुट्ठी में है, जो तुम कहती हो वही करते हैं। फिर क्या हुआ? अरे अम्मा, कहाँ है ना फुरकान ने कि जब तक इसके जख्म वगैरह ठीक नहीं होते रह सकता है यहाँ पे। अम्मा मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारा क्या होगा। क्या मतलब? भाई मतलब साफ है मेरा। पहले तो तुम ये बहाना करके यहाँ आ गई थी कि जुल्फी जेल में है, तुम्हें वहां घर पे अकेले डर लगता है। अब मैं आ चुका हूँ। तुम्हारे दामाद मियाँ ने अगर ये कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर संभालो और अपने बेटे के साथ घर जाओ, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। अरे ये ऐशो आराम, ये सारे मजे कहाँ जाएंगे सारे? समझाओ अपनी बेटी को। अरे कमबख्त, शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मेरा दिल ही हॉल खाने लग गया। मुंह की बात नहीं है अम्मा, मुंह से कुछ नहीं होता। ये बेटी को बताओ अपनी कि माँ की अजमत होती क्या है। तो तुझे भी अजमत का ख्याल होना चाहिए था ना, जेल जाके बैठ गया। मलिका कुछ सोच ले बेटा हमारे लिए। हाँ हाँ करती हूँ, कुछ मुसीबत ही डालना तुम दोनों। अच्छा किया फुरकान बेटा, तुम बड़े हो और बड़ों का फर्ज है माफ करना। और बेटा मलिका बेटी के लिए जुल्फी तो क्या हम किसी को भी माफ कर सकते हैं। और सच बात तो ये है कि मलिका बेटी का इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। जी अब्बा जी, उस बेचारी ने पहले ही अपने भाई की हमाकतों की वजह से काफी दुख उठाए हैं। मुझे तो आज पता चला है कि बड़ी भाभी के भाई कैसे हैं। वो इतनी अच्छी हैं और वो ऐसे होंगे कि तो यकीन ही नहीं आता। हो जाता है बेटा, बस कसूर माँ बाप का होता है। बेटों को ज्यादा अहमियत दे देते हैं, बेटी को अहमियत ना दी तो बेटे बिगड़ जाते हैं बेटा और हाथ से निकल जाते हैं। फिर तो अच्छी बात है कि हमारी कोई बहन नहीं है, वरना हमारे भी बिगड़ने के चांसेस होते। अब ऐसी बात नहीं है भाई, चंदा है हमारी बहन। क्यों बाजी? वाकई भाई चंदा है इस घर में बेटी की कमी पूरी कर। वैसे अब्बा, लोग तो बाहर से डॉक्टर बुलवाते हैं, आपके घर में पहले ही एक डॉक्टर था और अब एक और आ गई है। आपने अपनी मेडिसिन ले ली? अरे कहाँ बेटा, जब तक अपने हाथ से मेरी बेटी मुझे दवा नहीं देती मुझे कोई अफाका ही नहीं होता। मैं भी आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ और साथ दूध का ग्लास पूरा पीना है आपने। अच्छा Thank you.
अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? किसका गुस्सा किताबों पर उतार जा रहा है? मैं, ये सलमान है ना, पता नहीं क्या समझता है खुद को, बड़ा हैंडसम समझता है। ठीक है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह है, घर में सबसे छोटा भी है, लाडला भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की बेइज्जती करेगा। क्या सलमान ने तुम्हारी बेइज्जती की? क्या कहा उसने तुम्हें? यहाँ रहने के ताने देता है बार बार, जैसे उसके बाप का घर हो। है तो उसके बाप का घर, शायद तुम भूल गई हो। अरे सलमान मजाक करता है, वो जानबूझ के तुम्हें तंग करता रहता है। मेरा और उसका ऐसा कोई मजाक नहीं है। आइंदा उसने मुझसे इस तरह की स्टूपिड मजाक किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा बस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा थोड़ी करते, देखो कितनी लाल हो रही हूँ गुस्से में। क्या बात है भाई, बड़ा दिमाग चलना शुरू हो गया तुम्हारा। अम्मी की दिन रात बादाम खिलाती रहती हैं। स्मार्ट लोगों और इंटेलिजेंट लोग की कंपनी जो मिल रही है ना, असर तो आएगा। यार कुछ ही तो दिन हुए मुझे आए, अभी से असर होना शुरू हो गया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, चंदा अभी की बात कर रहा। ओह आई सी, बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हाजिर जवाब। बस बस कर दे भाई, बस कर दे, जब से आया हूँ बस चंदा बाजी के गुण गा रहे हैं सारे। मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार, बहुत अपसेट हूँ मैं सबसे, स्पेशली तुमसे। क्यों यार, बड़ी होता था तू मेरा यार, पार्टनर्स थे हम, और अब जब भी देखो बस चंदा बाजी के आगे पीछे घूमते रहते हो। बस कुछ दिन की बात है, फिर आपको जब चंदा आपको जानने का मौका मिलेगा, फिर आप उनके ही गुनगुनाते रहेंगे। देख लेगा, हाँ देख लेगा। अरे हाय, इसका तो माथा तप रहा है, लगता है जख्मों की वजह से बुखार चढ़ गया। तो बंद करे ना अपनी ये बदमाशियां, लचरपन, लफंगा कहीं का। वो मिये वाली है, बच्चों वाली है, अब वहां जाएगा तो कुटी खाएगा ना, मार खा के आएगा। आपा तुम्हारी जबान ऐसी है कि इतनी चुपती हुई बातें करती हो कि इंसान के पूरे जिस्म में दर्द हो जाए। चुप कर जा, अभी मैं तुझे ना हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ गरम गरम। अम्मा मुझे हल्दी वाला दूध मत दो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो, ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, तो मुझे सारी उम्र आपा की ससुराल में रहना पड़ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करती हूँ। बुखार तो है भाभी, ये छोटे कैसे आए? रिक्शे से गिर गया। अच्छा, देखो कैसे बेसुध पड़ा हुआ है, इसे अस्पताल ले चलते हैं। मलिका, अरे नहीं अम्मा, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, ये चंदा है ना, ये लगा देगी टीका दर्द वाला। मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, मैं अम्मा टीका नहीं लगवाऊंगा मैं। हाँ चुप कर जा कमबख्त, टीका नहीं लगवाऊंगा, महबूबा के खातिर जूते खा सकता है, टीका नहीं लगवा सकता कमबख्त। मैं कुछ पेन किलर्स दे दूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे, बीपी चेक कर लेती हूं। बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए दवा खा लेंगे तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखे ना आपकी अम्मी भी कितनी परेशान है आपके लिए। कौन कमबख्त अब ठीक होना चाहता है? पर चुप कर। भाभी ये दवाएं आप दे दीजिएगा।
अरे लेकिन कितनी देनी है ये तो बता दो। क्या हुआ, कहीं सांस की बीमारी तो नहीं हो गई तुझे? ओहो अम्मा, मैं अपनी चोटों से इतना आजीज नहीं आया हूँ जितना तुम लोगों की वजह से आजीज आ गया हूँ। मर जा कमबख्त, तू है इस काबिल कि तुझे कोई ना पूछे। हाँ नहीं पूछो, मुझे कोई जरूरत नहीं मुझे तुम लोगों की। हाँ तो पड़ा रहे इसी तरह नेशों की तरह बीमार। अम्मी मुझे ना साइंस की टीचर ने ना गुड दिया था, मैंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा बात है, मैंने इतना घटिया बेहूदा और चीप किस्म का आदमी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। 104 बुखार में इतना मिट के आया था और कितनी चीप बातें कर रहा था। तो आप क्या ताई जान की फैमिली से उम्मीद कर रही थी? मुझे लगता है वो जेल से ज्यादा पॉलिश होके आ गए। हाँ बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। खदीजा भाभी, अब बंदा अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा तो कहेगा ना। हाँ लेकिन कुछ बातें होती हैं ऐसी जिनका तस्करा ना किया जाए तो अच्छा होता है। और तुम तो बिल्कुल भी रिदा के मामू और नानी के बारे में कोई बात मत करना उनसे। क्यों? रिदा और ताईजान आपको आपकी फैमिली के ताने देती हैं जैसे उनका खानदान डिफेंस में रहता हो। शुक्र है हमारे खानदान में किसी ने जेल की शक्ल तो नहीं देखी। उस्तापा तुम लोग तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई कराओगे घर में, बाजार जाओ फौरन। अब तो मजा आएगा क्योंकि सलमान चाची जो हमारी गैंग में आ गए। किचन आ गई। भैया बहन, ये चंदा के होने वाले ससुराल में कोई बात हुई फोन पे? हाँ वो नहीं भाई साहब, असल में सब घर वाले कनाडा किसी अजीज की शादी में गए हैं इसलिए बात नहीं हो सकी। अच्छा, लगता है उनका हल्का अहबाब काफी वसी है, अमेरिका से कनाडा तक फैला हुआ है। जी जी, बस मैं थोड़ा सा इसलिए पूछना चाह रहा था कि लड़का तो देखा भाला है ना, कभी कभार ऐसा होता है सुरैया बहन के ये बाहर के रिश्ते जो हैं नजर का धोखा साबित होते हैं। अब मेरे एक जानने वाले की बच्ची का रिश्ता हुआ हुआ था बाहर, बाद में पता चला कि लड़का पेट्रोल पंप पे मुलाजिम है और उसने शादी भी करी हुई किसी गोरी से। भाई साहब जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है, आखिर बेटी का फर्ज भी तो निभाना है। हाँ ये तो है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। जाहिर है चंदा के वालिद ने कुछ सोच समझ के देखभाल के रिश्ता तय किया। इसके रिश्ते की बात हो रही है जी। तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है। मेरा रिश्ता क्यों? बस मैंने सोचा कि भाई तुम छुट्टियों में आए हुए हो तो तुम्हारी भी कहीं बात पक्की कर दी जाए। भाजी मैं यहाँ पे छुट्टियां मनाने आया हूँ, क्यों मेरी छुट्टियां बर्बाद करने पे तुले हुए आप? सलमान तुम इस्लामाबाद में रह के बहुत बेबाक हो गए हो बेटा, तुम्हारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। उससे पहले ये बात हद से ज्यादा बिगड़ जाए मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। लाया नजर से बचा, बहुत शरारती हो गया। क्या सोच रहे हो भाई साहब? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था प्रिया बहन के काश चंदा के वालिद ने उसका रिश्ता कहीं तय ना किया होता तो मैं चंदा को कहीं जाने ना देता। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं सलमान के लिए चंदा का रिश्ता तुमसे मांग लेता, हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में रखता उसे, बहू बना के नहीं बेटी की हैसियत में। जी ये चाय ले लीजिए अपनी। हाँ रखें। मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि कल बीक के यहाँ हुआ है, वो सलमान आजकल छुट्टी पे आया हुआ ना, इसीलिए उसे खाने पे बुला लेते हैं।
लेकिन सिर्फ सलमान को ही क्यों? जब दावत करनी है तो फिर सबको बुलाएं। जाहिर सी बात है सभी आएंगे दावत में, लेकिन ये दावत जो है खास सलमान के एजाज में। क्यों? वो बेग बता रहा था कि सलमान की इस छुट्टी में वो उसकी बात पक्की करना चाहता है। ये अचानक भाई साहब को सलमान के रिश्ते की क्या पड़ गई? तुमको तो पता है कि बेग को अचानक ही ख्याल आता है और अचानक ही फैसला कर डालता है। तभी इन अचानक और जल्दबाजी के फैसलों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती और ना ही आपने कुछ सुना है, क्योंकि आपसे इस मामले में बात करना तो बिल्कुल ही बेकार है। ये देखो नुमा, हमारा नया ब्रांड मार्केट में कितना पॉपुलर हो रहा है, इसकी डिमांड और सप्लाई काफी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ गई है माशाल्लाह। अरे भाई साहब, आप सलमान को अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हैं? मेरा तो चले प्रोफेशन ही दूसरा है, मैं तो हेल्प नहीं करा सकता, लेकिन सलमान इज एन एमबीए। यार चाह तो मैं भी रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में वो बिजनेस से ज्यादा अपनी जॉब में इंटरेस्टेड है। जॉब में तो चले पापा। पापा की जान रहने दे, मैं किसी की जान मान नहीं। ओ क्या बात है, इतना मुंह फुला के क्यों बैठी है मेरी बेटी? पापा मेरे एग्जाम्स कब के खत्म हुए हैं, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अरे भाई, हम तो ये समझ रहे थे कि आप घर में बैठी एंजॉय कर रही होंगी, घर में इतनी रौनक है, आपकी नानो है, आपके साथी चंदा है, और तो और अब तो आपके मामू जान भी है। नो वे, इस घर में मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो पापा मेरी फ्रेंड्स है ना, वो कल सिनेमा में ना नई मूवी देखने जा रही है, मैं उनके साथ जा सकती हूँ? भाई ये तो आप, सिनेमा जाना कोई बुरी बात तो नहीं है भाई साहब, और आजकल तो शहर में काफी मल्टीप्लेक्सेस भी खुल चुके हैं, सिक्योर भी सेफ है। हाँ लेकिन बेटा अब्बा जान से इजाजत लेनी पड़ेगी। पापा आप अच्छी तरह जानते हैं ये बात सुन के दादा अब्बू का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो अभी तक यही समझते हैं कि वहाँ पे अच्छी फैमिलीज नहीं आती, हालांकि अब तो वहाँ अच्छी खासी फैमिलीज आ जाती हैं। हाँ बेटा, फिर भी लेकिन पूछना तो अब्बा जान से ही पड़ेगा। एक तो इस घर में मेरी छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं होती। ओहो, मैं तो ये कह रहा था कि भाई, अरे बेटा रिदा, ये क्या रोती सी शक्ल बना के बैठी हो? तो मैं सिनेमा जाना है ना, मूवी देखना है, जाना पक्का? बस ठीक है, आप जाइए सिनेमा, अब्बा जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं आपको अलाउ करता हूँ। रियली? अरे नुमान अब्बा जी, अरे नहीं भाई साहब, अकेले थोड़ी जाएगी बच्ची, सलमान जाएगा ना इसके साथ। सलमान चाचू? बेटा तुम एक काम करो, तुम उमर और चंदा को अपने साथ के लिए जाने के लिए रेडी रहना, अब्बा जी को भी कोई इतराज नहीं होगा और हमें भी कोई फिक्र नहीं होगी, फिर तुम लोग खूब एंजॉय करना, कैसा आइडिया? गुड है भाई, चलो भाई तुम्हारे दोनों शौक पूरे हो गए, अब सिनेमा भी जाना, मूवी भी देखना और एंजॉय भी करना, अब्बा जान को चाचू संभालना। गुड। अम्मा कह दिया ना एक मरतबा, नहीं खानी दवा, नहीं खानी, नहीं खानी मुझको। दवाई नहीं खाएगा तो सारी उम्र बिस्तर पे पड़ा रहेगा, फिर ठीक कैसे होगा? हाँ नहीं ठीक होना है मुझे, अभी भी देख ले मेरा सर तप रहा है। अम्मा जब तक वो डॉक्टर नहीं आएगी ना और मेरी नब्स चेक नहीं करेगी आगे, मैं दवा नहीं खाऊंगा। तेरा बेड़ा गरक जाए, इतनी मार खा के भी तेरे अंदर का आशिक नहीं सुधरा? अरे वो डॉक्टरनी नहीं है, वो डॉक्टरी पढ़ रही है, अगर उसने कोई उल्टा सीधा इलाज कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल ले दवाई का। मैंने कहा ना नहीं खानी मुझको ये दवा, नहीं खाऊंगा दवा। तेरा सत्या ना जाए, ये क्या किया तूने? जब तक डॉक्टरनी नहीं आएगी, मुझे चेक नहीं करेगी, मैं दवा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे अरे, तुम आइंदा मलका के भाई का इलाज नहीं करोगी। क्यों, क्या हुआ? अभी तुम डॉक्टर नहीं बनी, खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? क्या होगा अम्मी, उसको कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, क्या मैंने कौन सा उसका ऑपरेशन कर दिया है? छोटी मोटी चोटें लगने की वजह से हल्का फुल्का बुखार हो गया था, थर्मामीटर लगा के चेक किया और दवा दे दी। बस मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम अपने डॉक्टरी के शौक कम अज कम मलका के रिश्तेदारों पर पूरा नहीं करोगी, कुछ नहीं भी होगा खामखा का इल्जाम थोप देंगी हमारे सर पर, सबके सामने बदनाम करेंगी। पता नहीं किस बात का खौफ है आप लोगों को मलका भाभी से,
राहत और खतीजा की जबानी मलका के किस्से सुनकर भी तुम्हें खौफ नहीं आता? चंदा भी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? गैस करें। अरे अरे, कहीं मलका के भाई की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं होगी? ओह आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत डीट है, मुझे लगता है उन्हें कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल मैं तो यहाँ अबू का मैसेज देने आया हूँ। चंदा अभी, आप और मैं इर्दा के साथ सिनेमा जा रहे हैं मूवी देखने। सिनेमा? किस खुशी में? अरे भाई, मेरे और इर्दा के अभी पेपर्स खत्म हुए ना, और छुट्टियां भी हैं। आपको पता है इर्दा का मुंह बना हुआ है, खूब टपाएंगे उसकी। चले ना, जल्दी चले बस। नैनो से नैनो का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।